वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 25 जनवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। तो शुरुआत करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन के साथ करेंगे कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की है और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? विकल्प ए है गोवा, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है असम तथा विकल्प डी है छत्तीसगढ़। इनमें से विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो अरुणाचल प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने के लिए अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना करेगी। अगला प्रश्न है, YSR राइथू भरोसा योजना द्वारा सरकार की जाने वाली वित्तीय सहायता क्या है? विकल्प ए है 6,000 रुपये, बी है 8,500 रुपये, सी है 11,500 रुपये तथा विकल्प डी है 13,500 रुपये। इनमें से विकल्प डी 13,500 रुपये बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो YSR राइथू भरोसा PM किसान सम्मान योजना पात्र किसानों को 3 वार्षिक किस्तों में प्रति एकड़ 13,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लगातार तीसरे साल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR राइथू भरोसा PM किसान योजना की तीसरी किस्त जारी की। खरीफ फसलों के लिए मई में 7,500 रुपये, रबी फसलों के लिए अक्टूबर में 4,000 रुपये और संक्रांति के लिए 2,000 रुपये जमा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, IHU का नया कोविड संस्करण किस देश में खोजा गया है? विकल्प ए है USA, बी है फ्रांस, सी है इटली तथा विकल्प डी है दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न को फिर से सुने, IHU नाम का नया कोविड संस्करण किस देश में खोजा गया है? विकल्प ए है USA, बी है फ्रांस, सी है इटली तथा विकल्प डी है दक्षिण अफ्रीका। इनमें से विकल्प बी फ्रांस बिल्कुल सही उत्तर। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो IHU नाम का नया कोविड संस्करण फ्रांस में IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट में खोजा गया है। कहा जाता है कि नए संस्करण में ओमिक्रॉन की तुलना में 46 उत्परिवर्तन अधिक हैं। पहला मामला एक व्यक्ति से सामने आया था जो अफ्रीकी देश कैमरून से आया था। वैज्ञानिकों के अनुसार नया स्ट्रेन E484 के म्यूटेशन करता है जो इसे वैक्सीन प्रतिरोधी बनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NPCI भारत बिल पे द्वारा लॉन्च किए गए UPMS का विस्तार क्या है? विकल्प ए है एकीकृत प्रस्तुति प्रबंधन प्रणाली, बी है एकीकृत भुगतान प्रबंधन प्रणाली, सी है सारथी तथा विकल्प डी है ज्ञान। प्रश्न को फिर से सुने, हाल ही में NPCI भारत बिल पे द्वारा लॉन्च किए गए UPMS का विस्तार क्या है? इनमें से विकल्प ए एकीकृत प्रस्तुति प्रबंधन प्रणाली बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड यानी कि NBLL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी ने यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि UPMS पेश किया है। UPMS के माध्यम से NBBL ग्राहकों को अपने आवर्ती बिल भुगतान पर अस्थाई निर्देश स्थापित करने में सक्षम करेगा। बिल स्वचालित रूप से बिलर्स से प्राप्त किए जाएंगे और ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों को प्रस्तुत किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, XIB कॉर्प्स या फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भारत के किस सशस्त्र बल का एक हिस्सा है? विकल्प ए है भारतीय नौसेना, बी है भारतीय सेना, सी है भारतीय वायुसेना तथा विकल्प डी है सीमा सुरक्षा बल। प्रश्न को फिर से सुने, XIB कॉर्प्स या
फायर एंड फ्यूरियस कॉर्प्स भारत के किस सशस्त्र बल का एक हिस्सा है? विकल्प ए है भारतीय नौसेना, बी है भारतीय सेना, सी है भारतीय वायुसेना तथा विकल्प डी है सीमा सुरक्षा बल। इनमें से विकल्प बी भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो XIB कॉर्प्स या फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भारतीय सेना का एक कोर है। यह उधमपुर स्थित सेना की उत्तरी कमान का एक हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेमन ने XIV फायर एंड फ्यूरी कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता को सौंपी। वह अक्टूबर में चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की वार्ता के अंतिम दौर का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, भारत में पुलों की समाप्ति अवधि क्या है? विकल्प ए है 50 साल, बी है 75 साल, सी है 100 साल तथा विकल्प डी है कोई अवधि नहीं। इनमें से विकल्प डी कोई अवधि नहीं बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि केंद्र देश भर में सभी पुलों की स्थिति और उम्र जानने के लिए एक नीति लाएगा। भारत में पुलों की कोई समाप्ति तिथि नहीं है और इसीलिए कई दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं। मंत्रालय ने देश के सभी पुलों की जानकारी एकत्र करने के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली तैयार की थी। अगला प्रश्न है, मड क्रैब रियो वायरस यानी कि MCRV हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है? विकल्प ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु तथा विकल्प डी है ओडिशा। इनमें से विकल्प बी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो आंध्र प्रदेश के तालाबों और बाजारों से एकत्र किए गए नमूनों में मड क्रैब रियो वायरस यानी कि MCRV पाया गया है। MCRV को आंध्र प्रदेश में जंगली केकड़े की सामूहिक मृत्यु का कारण माना जाता है। स्लीपिंग डिजीज के नाम से मशहूर MCRV ने 2019 से खेती के लिए सभी तरीकों के जंगली केकड़ों के बड़े पैमाने पर मौत का कारण बना है। अगला प्रश्न है, सरकार ने अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया है। अमर जवान ज्योति की शाश्वत ज्योति किस वर्ष में प्रज्वलित की गई थी? विकल्प ए है 1949, बी है 1952, सी है 1980 तथा विकल्प डी है 1972। इनमें से विकल्प डी 1972 यानी कि 1972 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो अमर जवान ज्योति की शाश्वत लौ 1972 में गणतंत्र दिवस पर तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की याद में जलाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने इंडिया असिस्टेड सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? विकल्प ए है मॉरिशस, बी है मालदीव, सी है मेडागास्कर तथा विकल्प डी है म्यांमार। इनमें से विकल्प ए मॉरिशस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया। यह तो बात हुई आज की डेट में बनने वाले सभी अभ्यास प्रश्नों की, उन प्रश्नों की जो आज की डेट में करंट अफेयर्स से जुड़े हुए थे और जो आज की डेट में करंट अफेयर्स से प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों की बात हुई। अब बारी है बात करने की आज के लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की, जिनके उत्तर आपको स्वयं ढूंढ कर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आइए बात करें पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता ने हाल ही में DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड जीता है? विकल्प ए है गौहर खान, बी है सुष्मिता सेन, सी है कीर्ति कुल्हारी तथा विकल्प डी है टीस्का चोपड़ा। प्रश्न को फिर से सुने, किस भारतीय अभिनेता ने हाल ही में DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड जीता है? बी है गौहर खान, बी है सुष्मिता सेन, सी है कीर्ति गुलहारी तथा विकल्प डी है टीस्का चोपड़ा। अगला प्रश्न है आपके लिए, 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? विकल्प ए है चीन, बी है रूस, सी है भारत तथा विकल्प डी है ब्राज़ील। इन दो प्रश्नों के उत्तर उम्मीद करते हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और ये प्रश्न आपको हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे।
आप वहाँ पर भी विकल्पों को चयनित करके इनके उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें एकेडमी डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपके लिए नए नए अपडेट लाते रहते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।